शीतल जी, सबसे पहले अगर आपको मेरी आवाज साफ सुनाई पड़ रही हो तो सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ही है, ये जो नीतीश कुमार की जो दिल्ली यात्रा है और इस दिल्ली यात्रा को आप किस नजर से देखते हैं, और जो अरविंद केजरीवाल से उन्होंने मुलाकात की है लेकिन किसी तरीके का कोई कमिटमेंट उनकी तरफ से सामने नहीं आया, ऐसे में आप उनकी भूमिका किस तरीके से देखते हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी की यात्रा में जो उन्होंने कहा था कि उनके साथ अधिकतर विपक्ष के लोग हैं, वो यात्रा इस बात को साबित करती हुई नजर आती है, क्योंकि आज इसी यात्रा में वो अधिकतर विपक्ष से मिल लिए, दोनों लेफ्ट पार्टी से मिल लिए, मिले तो केजरीवाल से भी और चौटाला साहब से मिल लिए, मुलायम सिंह जी को हॉस्पिटल में जाके मिलिए, वहां अखिलेश उनको मिल गए, और राहुल गांधी से मिल लिए, जो सबसे बड़े आप कह सकते हैं विपक्ष में सबसे बड़ा कंस्टिट्यूएंट जो है कांग्रेस है, तो उन्होंने इसके पहले उनसे तेलंगाना के मुख्यमंत्री आके मिल ही लिए थे, तो अब जो उपलब्ध हमारे पास विपक्ष है उसमें रह जाता है डीएमके, बड़ा ब्लॉक अगर आप कहें, और देवगौड़ा परिवार से भी और उनकी पार्टी से भी शायद कोई मिले हैं, मुझे एग्जैक्ट अभी नहीं पता है, लेकिन ये मुझे जानकारी कि उनसे भी कोई मिले, तो लगभग पुराना जो जनता परिवार होता था और जिस तरह से विपक्ष बनता था, लेफ्ट डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट एक तरह से मिला जुला सा, तो वो जो सीन बनता था लगभग वैसा सीन बन रहा है चुनाव के 1.5 साल पहले, तो ये एक आप कह सकते हैं जबरदस्त डेवलपमेंट है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि कल केजरीवाल साहब हिसार में अपने पैतृक गांव जा रहे हैं और वहां से वो अपना कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं, उनकी भी एक राष्ट्रव्यापी यात्रा तो नहीं कर रहे हैं लेकिन जगह जगह वो जाएंगे और सभाएं उभाएं करेंगे, लोगों से मिलेंगे, वो भी अपना हैट डाल रहे हैं राष्ट्रीय परिदृश्य में 24 के चुनाव के लिए, उनका जो कैंपेन मशीनरी है वो तो कह ही रही है कि वही विकल्प है, लेकिन उनकी सामर्थ्य बहुत उससे कम है जितना बड़ा वो दावा कर रहे हैं। सामर्थ्य इसलिए कि अभी उन्होंने जो 3-4 राज्यों में चुनाव में हिस्सा लिया उसमें उत्तराखंड में और गोवा में जो उनका प्रदर्शन है वो 10% भी नहीं है कहीं, और सिर्फ एक राज्य में जहां वो पहले विपक्ष में थे वहां के स्थानीय कारण पंजाब के डिफरेंट हैं, उस वजह से वहां एक अच्छी स्थिति आई, ठीक है कि उनको एक बड़ा समर्थन मिला और वो दो राज्यों में पहुंच गए, ये सही है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी सही है कि उसके अलावा उन्होंने जहां जहां प्रयास किए वो सफलताएं वैसी नहीं है कि वो इतना बड़ा दावा करते हैं कि वो अकेले मोदी जी का विकल्प हो गए। अभी वो करीब 1.5 करोड़ के ब्रैकेट में भी नहीं पहुंचे हैं देश के मतदाताओं में, 12.5 करोड़ का ब्रैकेट कांग्रेस का है इतना हारने के बावजूद, और 25-26 करोड़ के ब्रैकेट में भारतीय जनता पार्टी है, तो 26 करोड़ के ब्रैकेट को 1.5 करोड़ भी नहीं पहुंच के अगर आप कह रहे हैं तो ये शेख ही बघारना है और थोड़ा प्रोपेगंडा है बेसिर पैर का। लेकिन जहां तक सवाल है इनका क्या नाम नीतीश कुमार का, नीतीश कुमार एक फॉर्मिडेबल प्लेटफॉर्म पे नजर आ रहे हैं और वो प्लेटफॉर्म राष्ट्रव्यापी है, उसके पास जो जन समर्थन है, वो जो बचे हुए 63% वोट है, 37% भाजपा और एनडीए का हो गया, जो 63% है उसके एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसलिए उसमें कुछ संभावनाएं आदमी सोच सकता है। केजरीवाल सिर्फ आप कह सकते हैं बातचीत के लिए बात है, एक न्यूसेंस वैल्यू है नो डाउट, और वो रहेगी जब तक अभी गुजरात चुनाव के नतीजे नहीं आ जाएंगे तब तक वो वैल्यू रहेगी, उसके बाद वो वैल्यू बदल जाएगी, क्योंकि गुजरात चुनाव के नतीजे जो संभावित हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सीटों में बंटवारा कर लेंगी, ये नतीजा वो अल्टीमेटली बीजेपी की टैक्टिक्स वहां पे सफल होगी इस तरह से कि वहां भी कोई एक विपक्ष बनता या एक समझौता वाला मामला होता तो मुकाबला होता, अलग अलग लड़के बीजेपी के लिए राह आसान करेंगे और अपनी अपनी इलाकों में कुछ खास जगहों में कुछ खास सीटों पर जीतकर सामने आएंगे। इतने भर से सिर्फ ये जरूर होगा कि गुजरात में हो सकता है कि आम आदमी पार्टी 6% से ज्यादा वोट ले ले और ये कह सके 24 के चुनाव में कि हम सबसे जल्दी राष्ट्रीय पार्टी बनने वाली पार्टी है, ये क्लेम उसका बन जाए, लेकिन इससे अतिरिक्त कुछ सोचना गलत। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।